नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक खास जानकारी। आज हमारी खास वीडियो है बढ़ती गर्मी में छाछ पीने के कुछ फायदों के बारे में। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। गर्मियों में हमें ढेर सारा पानी पीना चाहिए। पानी के साथ साथ नींबू पानी, लस्सी और अन्य हेल्दी ड्रिंक्स का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों से व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी नहीं होती। बात अगर लस्सी की करें तो इसे हम शुद्ध हिंदी में छाछ कहते हैं। छाछ पीना सेहत के लिए कितना गुणकारी है, यह शायद हम नहीं जानते होंगे। आइए सीखते हैं सिंपल सी लस्सी बनाने का तरीका, साथ ही इसके ढेर सारे फायदों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं लस्सी बनाने के तरीके के बारे में। फुल फैट या फिर नॉर्मल दही एक कप। दही को एक जग में अच्छी तरह फेंट ले। दही पूरा मुलायम दिखना चाहिए। अब दही में काला नमक, काली मिर्च, भुना जीरा या फिर अजवाइन का पाउडर डालकर अच्छी तरह से हिलाएं। जब दही में सभी चीज़ें मिक्स हो जाएं, ऊपर से दो या तीन ग्लास पानी में डाल दें। आप जितनी गाढ़ी लस्सी पीना चाहते हैं उतना कम पानी मिलाएं। सर्व करते समय बर्फ़ के टुकड़े भी डालें। कोशिश करें भोजन के साथ ज़्यादा ठंडी लस्सी ना पिएं। दोस्तों, अब जानते हैं लस्सी यानी कि छाछ पीने के फायदों के बारे में। भोजन के साथ छाछ पीना। दोपहर के भोजन के साथ लस्सी पीने से खाना अच्छी तरह पच जाता है। जिन लोगों को भोजन के बाद पेट में भारीपन, गैस या अपच की समस्या रहती है, उन्हें खाने के साथ लस्सी जरूर पीनी चाहिए। लस्सी में भुना हुआ जीरा और काली मिर्च जरूर डालें। इससे आपकी पाचन प्रक्रिया मजबूत होती है। यूरिन संबंधित समस्याएं। लस्सी पीने से यूरिन करते वक्त महसूस होने वाली जलन, बवासीर, कब्ज और किडनी में पथरी जैसी परेशानियां भी ठीक होती हैं। खूनी बवासीर में लस्सी में काला जीरा मिलाकर पीने से राहत मिलती है। छोटे शिशुओं के लिए भी है फायदेमंद। जिन बच्चों को गर्मियों में दस्त लग जाते हैं, उन्हें थोड़े थोड़े करके चम्मच के साथ लस्सी पिलानी चाहिए। इससे पेट की आंतों को आराम मिलता है, साथ ही बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं, उन्हें भी थोड़ी सी लस्सी जरूर पिलाएं। बच्चों के दांत निकलते वक्त महसूस हो रहे बदलाव में आराम मिलेगा। प्रोबायोटिक्स का अच्छा स्रोत। लस्सी का नियमित सेवन स्वस्थ बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देने और आपके आंत में खराब बैक्टीरिया के विकास को कम करने में मदद करती है। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर। गुड बैक्टीरिया के साथ साथ दही में भरपूर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जो शरीर को ताकत प्रदान करने में मदद करते हैं। पेट की सफाई और मुंह की दुर्गंध से छुटकारा पाने के लिए दही की छाछ में पुदीने की पत्तियों का रस मिलाकर पिएं। इससे आपको काफी राहत महसूस होगी। वजन घटाने में मददगार। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आप डाइटिंग कर रहे हैं, तो दोपहर के वक्त एक या दो गिलास लस्सी के पिएं। इससे शरीर में फैट भी जमा नहीं होगी और आपको डाइटिंग की वजह से कमजोरी भी महसूस नहीं होगी। अल्सर में फायदेमंद। जिन लोगों के पेट में अल्सर होता है, उन्हें रूटीन में हल्की पतली लस्सी बनाकर पीनी चाहिए। इससे अल्सर की वजह से सीने में होने वाली जलन से आपको राहत मिलेगी और आप ठंडक भी महसूस करेंगे। त्वचा बनाती है मुलायम, गौरी मुलायम और चमकदार त्वचा के लिए हर रोज लस्सी पिए। लस्सी पीने से शरीर में टॉक्सिन्स का निकास होता है, जिससे आपकी त्वचा एकदम क्लीन और क्लियर नजर आती है। झड़ते बालों को रोकें। लस्सी में विटामिन B12 काफ़ी मात्रा में होता है, जो बालों को सफ़ेद होने से रोकता है। हर रोज़ लस्सी पीने से बाल अंदरूनी तौर पर मजबूत बनते हैं। इससे बालों पर कंडीशनर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे बाल मुलायम बने रहते हैं। इस दौरान नहीं पीनी चाहिए लस्सी। बुखार और जुकाम के दौरान लस्सी ना पिएं। महिलाओं को माहवारी के दौरान भी लस्सी नहीं पीनी चाहिए, इससे पेट में दर्द हो सकता है। दिन में एक या दो गिलास लस्सी के ही पिएं। ज़्यादा लस्सी पीने से पेट खराब भी हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति के गुर्दे सही ढंग से काम नहीं करते, तो उसे भी लस्सी का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना यूरिन ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी फ़ायदेमंद लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी के बारे में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।